महाकालेश्वर मंदिर समिति श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एक नया प्रयोग करने जा रही है, जिससे भस्म आरती परमिशन को लेकर हो रहे भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में रोजाना सुबह होने वाली भस्म आरती में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उज्जैन पहुंचते हैं। भस्म आरती के नाम पर कई लोगों के साथ ठगी की घटना आए दिन होती है। महाकाल मंदिर के प्रशासक संदीप सोनी ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अब महाकाल मंदिर समिति ने निर्णय लिया है कि जल्द ही महाकाल मंदिर के कॉल सेंटर से फोन द्वारा श्रद्धालुओं से फीडबैक लिया जाएगा। साथ ही परमिशन करवाने वाले सभी श्रद्धालुओं के पास एक फीडबैक मैसेज भी जाएगा, जिसको श्रद्धालु भर कर देंगे। इस मैसेज में महाकाल मंदिर और भस्म आरती से जुड़े 5 सवाल होंगे, जिनको भरकर श्रद्धालु देंगे। महाकाल मंदिर में आने वाले श्रद्धालु बड़ी संख्या में भस्म आरती करना चाहते हैं, लेकिन रोजाना मात्र 1600 भक्तों को ही आरती के लिए अनुमति मिलती है। ऐसे में कई लोग आरती के नाम पर भोले भोले श्रद्धालुओं के साथ ठगी की वारदात को अंजाम देते हैं। कई भक्तों ने महाकाल थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद अब मंदिर समिति ने निर्णय लिया है कि जिस भक्त का परमिशन करते समय नंबर डाला गया था, उसके पास फोन और SMS के माध्यम से सारी जानकारी ली जाएगी। उनसे 5 सवालों के उत्तर लेकर मंदिर की व्यवस्था को ठीक किया जा सकेगा। भस्म आरती के खत्म होने के बाद शामिल होने वाले भक्तों के पास 2 से 3 घंटे के बीच एक फीडबैक फॉर्म आएगा, जिसमें 5 सवाल होंगे। इन सवालों के जवाब से मंदिर समिति अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करेगी। भस्म आरती में आपका अनुभव कैसा था? भस्म आरती की परमिशन आपके भस्म आरती की परमिशन आपने किसके माध्यम से करवाई? भस्म आरती की परमिशन के लिए आपको कितना शुल्क देना पड़ा? कोई असुविधा तो नहीं हुई? आरती की परमिशन के लिए आपसे तय शुल्क से ज्यादा रुपए की डिमांड तो नहीं की गई? महाकाल मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भस्म आरती की परमिशन ऑफलाइन और ऑनलाइन के माध्यम से होती है। ऑफलाइन परमिशन के लिए भक्तों को एक दिन पहले मंदिर में टिकट विंडो पर पहुंचकर अपनी अनुमति लेना होती है, जो कि निःशुल्क रहती है। इसके साथ ही ऑनलाइन के माध्यम से होने वाली परमिशन के लिए श्रद्धालु मंदिर की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन परमिशन करवा सकते हैं, जिसके लिए 200 रुपये शुल्क देना होता है। साथ ही प्रोटोकॉल में भी भक्तों को परमिशन मिलती है, जिसमें अधिकारी, राजनेता, मंत्री, विधायक, सांसद और मीडिया का अलग कोटा है। भस्म आरती में व्यवस्थाएं वही हैं। अभी देखिए, पहले जो एक शिकायत आया करती थी कि जो 200 रुपये का पेमेंट करते हैं वो उनका लिंक फेल होता है, और ये भी शिकायत आया करती थी कि वो लिंक फेल होने के कारण फिर यहाँ पर पैसे जमा करते हैं और उसी को फिर 2 बार एंट्री कर लिया करते थे, तो और उससे भक्तों को भी परेशान हुआ करती थी, और ये भी शिकायतें आया करती थी कि उसका पूरे जो छोटी मोटी कमियां उसका मिसयूज़ करते हैं। 2-3 चीज़ें हमने की हैं। नंबर 1 कि अभी आप देखेंगे तो 100% QR कोड स्कैन हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। जब QR कोड 100% स्कैन हो रहा है तो जिसका डिजिटल पास बना है भस्म आरती के लिए वही जा पा रहा है, दूसरे को एंट्री किसी प्रकार से नहीं मिल रही, मतलब जो वैलिड पास है उसका वही जा पा रहा है। नंबर 1। नंबर 2, अभी 1-2 दिनों में ये भी हम व्यवस्था करने जा रहे हैं कि चूँकि नंबर उसमें रहता ही है, आपने जैसे समझ ली कल सुबह भस्म आरती की, तो आपको लगभग 3-4 घंटे बाद ही फीडबैक फॉर्म जाएगा आपके पास में, और उस फीडबैक फॉर्म में हमारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिससे कि जो भक्त का एक्सपीरियंस रहा है वो हमको पता चल पाए, और इससे हमें ये सुविधा मिलेगी कि यदि किसी जगह पर कोई इम्प्रूवमेंट करना है या किसी प्रकार से किसी व्यक्ति ने उस पास को 200 रुपये की जगह ज़्यादा जगह पैसे से लिया है, या हमारे मंदिर अंदर के सिस्टम से किसी व्यक्ति कोई परेशानी हुई है, तो उस व्यवस्था को ठीक करेंगे। साथ ही हमारी कोशिश रहेगी, वो कल से ही रहेगी, इनफैक्ट हमने शुरू भी कर दिया है, कि जितने भी भक्त जा रहे हैं उनका एक नंबर रहता है हमारे पास, जिसमें फीडबैक फॉर्म भेजेंगे। फीडबैक फॉर्म चूँकि वो वॉलंटरी रहेगा, हो सकता है वो लोग ना भी करें, साथ ही हम उसको कॉलिंग भी करेंगे, 100% लोगों को हम कॉलिंग करेंगे, और कॉलिंग करने का पर्पस यही रहेगा कि ये जितनी भी चीज़ें हैं वो एक्सपीरियंस उनका रहा है हमको मिले, वो एक्सपीरियंस हो सकता है कि उनके पूरे दर्शन को लेकर हो सकता है, अंदर की व्यवस्थाओं को लेकर हो सकता है, या बाहर ही अंदर किसी व्यक्ति ने दुरुपयोग करने की कोशिश की हो, या जो उनका अच्छा अनुभव ना रहा हो, अच्छा नहीं रहा तो कैसे और बेहतर कर सकते हैं, यदि अच्छा रहा हो तो भी वो आएगा। साथ ही यदि किसी ने पास से ज़्यादा पैसे लेने की कोशिश की है तो वो चीज़ें भी आएंगी। और मैं आपके द्वारा बताना चाहूँगा कि बाबा महाकाल के लिए भक्त दर्शन करने आते हैं, और हम सभी की ये एथिकली मॉरली कर्तव्य है, व्यवस्था और दायित्व है कि भक्त चूँकि महाकाल बाबा का है, उसको किसी प्रकार से परेशानी ना हो, और उसको किसी प्रकार से कोई भी
गलत तरीके से ज़्यादा पैसे लेने की कोशिश ना करें। यदि कोई व्यक्ति ऐसा पकड़ाया जाता है तो उस पर जो अधिकतम दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है वो प्रपोज की जाएगी। थैंक यू।